हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं सोफिया। आज हम बनाएंगे सेवई कटोरी विद रबड़ी। तो जिसके लिए मैंने सेवई ली है, ये मैंने 100 ग्राम ली है और मैंने इसको अच्छे से बारीक करके तोड़ लिया है। तो आप भी इसको ऐसे ही तोड़ें। और ये मैंने रोस्टेड सेवई ली है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा घी में और फ्राई करेंगे। और इसमें मैंने लिया है कंडेंस मिल्क, ये 3 टेबल स्पून है, 1/4 टी स्पून हरी इलायची पाउडर है और 1 पिंच केसर है, और थोड़ा सा हम इसमें पानी का यूज़ करेंगे। बाकी जो हम रबड़ी बनाएंगे उसमें बहुत ही आसान है ये। मैंने ब्रेड क्रम्प लिया है, ये 2 ब्रेड का मैंने स्लाइस के किनारे काट के इसको मिक्सी में चला दिया है। 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया है, 4 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है, क्योंकि मिल्क पाउडर भी हमारा मीठा ही होता है, तो इसलिए चीनी मैंने 4 टेबल स्पून ली है। थोड़े से हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, ये आपके टेस्ट के ऊपर है, ड्राई फ्रूट आप कितना लेना चाहते हैं। मिल्क लेंगे, ये हम इसमें से 2 कप लेंगे, ये ज़्यादा है तो ये मैंने दिखाने के लिए लिया है। इसमें से हम 2 कप मिल्क लेंगे। बाकी जिसको भी आप जिसमें भी आप इसको कटोरी का शेप देना चाहते हैं, ये मैंने जो मफिन ट्रे आती है ये मैंने उसको लिया है। इसको पहले मैंने ग्रीस करा है, उसके बाद इसमें पॉलीथीन ये काट के जो भी आती है बाजार में, आप उसको अच्छे से साफ़ करके इसमें आप ऐसे इसको कवर कर लीजिए। बिना ग्रीस करे इसको कवर नहीं करिएगा, वरना ये प्रॉब्लम करेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई लेंगे, इसमें हम 2 टीस्पून के करीब घी डालेंगे। इसमें हमें सेवई को रोस्ट करना है थोड़ा सा, घी मेल्ट हो जाए हम इसमें सेवई ऐड कर देंगे। और सेवई को हमें हल्का सा रोस्ट करना है, इसको फ्राई करना है। सेवई को हम थोड़ा ही भूनेंगे, ये हमारी बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं होनी चाहिए और जलने भी नहीं चाहिए। इसी के साथ हम इसमें जो है थोड़ा सा 1 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे इसमें। बस ये थोड़ी सॉफ्ट सी नहीं है, क्योंकि इससे थोड़ा सा ये जो है चिपकेगी आपस में, तो ये थोड़ा आसानी रहती है इसमें। फिर हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर देते हैं। साथ ही इलायची पाउडर, बस इसे हम 2 से 3 मिनट ही इसको हमें करेंगे इसको इसके अंदर, और फिर गैस को ऑफ कर देंगे। फिर हम सेवई को अपने मफिन ट्रे में जो कप है हम इसमें इसके अंदर इसको डालेंगे, क्योंकि हमें इसमें गरम गरम ही डालना है, वरना ठंडी हो जाएगी तो ये नहीं कटोरी बन पाएगी इसकी। और हम इसको डाल के इसको सेट करते जाएंगे। अच्छे से प्रेस करके आप इसको एकदम ध्यान रखिएगा, सिवई गर्म है आपके हाथ नहीं जल रहे, इसलिए चम्मच की इस्तेमाल करिएगा। तो इसको इस तरीके से हम अच्छे से प्रेस करके इसको अच्छे से इसको शेप दे देते हैं इसमें। इसी तरीके से हम सारी इसको फिल कर देंगे। ये मैंने सारी कटोरियाँ बना दी हैं, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं जब तक हम रबड़ी बना लेते हैं। अब हम कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम सारा सामान इसमें जो है जो ड्राई है वो सब मिक्स कर लेंगे, मिल्क पाउडर, ब्रेड क्रम्प और चीनी। और इसे अच्छे से आप हाथ से पहले मिक्स कर लीजिए, चाहे तो आप चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाता है इसमें। और इसी में हम फिर डालेंगे 2 कप मिल्क। बनाना बहुत आसान है और टेस्ट भी इसका अच्छा है, कुछ डिफरेंट भी हो जाता है। आप इसे ईद के मौके पर बना सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको गैस पर रखेंगे और हम इसको लगातार इसको चलाते रहेंगे। हाथ हमें बिल्कुल भी नहीं रोकना है, इसे हमें बिल्कुल लगातार चलाते रहना है। मुश्किल से ये हमारे 5 मिनट में बनकर एकदम रेडी हो जाएगी रबड़ी।
जब इसमें अच्छे से उबाल आने लगेगा तब हम इसके अंदर केसर ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें इलायची पाउडर, आप देख रहे हैं मिल्क एकदम गाढ़ा हो चुका है, रबड़ी हमारी बनने पर आ गई है। इसे बनाने में मुश्किल से आपको 4 मिनट भी नहीं लगेंगे। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर देते हैं आधे, बाकी हम थोड़े से डेकोरेशन के लिए इसमें रख देंगे। रबड़ी बनके एकदम रेडी है हमारी, इसका टेस्ट एकदम वैसे ही है जैसे हम मिल्क की बनाते हैं। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। कटोरी को बाहर निकाल लेते हैं, ये हमारी जम भी चुकी है। इसी तरीके से हम सारी कटोरियाँ निकाल लेंगे बाहर, आराम से निकालिएगा, टूटे नहीं। और इसमें हम रबड़ी रखते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि दिखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है और ऐसे ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। आप इसे किसी ओकेजन पे बना सकते हैं, गेस्ट के आगे रखेंगे तो बहुत तारीफ़ होगी आपकी। ईद पर बनाइए आप, दिवाली पे, होली पे, जब भी आपका मन करे इसे आप बनाएं। ये हमारी सिवई कटोरी रबड़ी बनकर एकदम रेडी है, आप इसको एंजॉय करिए। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, उसको शेयर करिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं जिससे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।